हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुष्का रावत ब्लॉग में। तो दोस्तों, आशा उम्मीद करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम अच्छे हैं। और आज मैंने ऋषिकेश की ब्लॉगिंग बहुत दिनों बाद की है, तो ऐसे ही गांव, दिल्ली, ऋषिकेश, कभी लड़की को मिलने, तो मेरा ऐसे हो जाता है। प्यारे से पौधों को पानी देती हूँ, जो है कि इस समय बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर खिले हुए हैं। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये भी खिले हुए हैं। ये हमने दीपावली में मैंने यहाँ डाले थे बीज, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ के मौसम की बात करें तो आजकल गर्मियों में बहुत, मतलब गर्मी शुरू हो गई है, पर लेकिन आजकल दो तीन दिन से अच्छा मौसम है, अच्छा मौसम है। मैं दिखाती हूँ अभी बाहर। तो ये देखो प्यारी सी खेती जो है कि अब पक गई है। कई लोगों ने तो गेहूँ काट भी दिए हैं, कई लोगों ने निकाल भी दिए हैं, और कुछ थोड़ा बहुत ये हमारे घर के आगे बचे हुए हैं। जो है कि जब गेहूँ निकलता है ना, तो पूरा भूसा हमारे घर के अंदर आ जाता है। तो कोई बात नहीं, एक हफ्ते की बात है, फिर ये भी हो जाएगा। फिर बड़ा बेकार लगेगा कुछ दिनों, जब तक हरियाली शुरू नहीं हुई। लोग कहते हैं आप दिल्ली रहते हो, कई कहते हैं आप गांव में रहते हो, कोई कहता आप कहाँ घूमते रहते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम प्रॉपर रहते हैं ऋषिकेश में, जो है कि जहाँ हमारे मेरे बच्चे पढ़ते हैं। और गांव मेरा मायका है, ससुराल है, और दिल्ली मेरी सिस्टर रहती है। तो मैं दिल्ली दीदी के पास गई थी, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे इंस्टा पे भी और फेसबुक पेज पे भी कि आप कहाँ रहते हो। लड़की का स्कूल है, तो उसके लिए टिफिन बनाना है, उसको उठाना है, उसको रेडी करना है, और उसको स्कूल भेजना है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में अभी। तो दोस्तों, आज इस वाले प्लॉट में मशीन आ रही है गेहूं कटने की, और हो चुकी है स्कूल के लिए। और मैं भी मैं कह रही हूँ इसको, चलो यार पैदल चलते हैं, क्योंकि जाना नहीं होता। ये कह रही नहीं मम्मी, स्कूटी से जाना है, स्कूटी से जाना है। दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड है ना, मतलब खूब हंसी मजाक करते हैं हम दोनों, तो मैंने उसका नाम लड्डू रखा है। मैं गब्बू को दिखाऊंगी अभी, एक लड्डू आ रही है गब्बू, ये देख, मुझे पता है। इसको मैं लड्डू बोलती हूँ, लड्डू मासी है, लड्डू गोपाल, गोपाल लड्डू, लड्डू गोपाल। हेलो गाइस, बोलो। हेलो गाइस, और मेरे चैनल को बोलो, इनके चैनल को लाइक शेयर बोलना। लड्डू बोल यार, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लड्डू बोल, ये बोली मैं मौसी बोलू, बोल मौसी बोलू आपको, मेरे मौसी तो बोल रहे हैं। लड्डू वो मेरी पूरी दीदी पूरी वीडियो देखते, वैसे मेरी उम्र की है वो ना, देखो ना वो मोटापे की वजह से, वैसे वो बहुत क्यूट है। लड्डू है, लड्डू मौसी बोला कर उसके लिए, ठीक है, मैंने उसके लिए लड्डू रखा उसका नाम। इतनी क्यूट है वो, चढ़ाती हूँ मैं दोनों सास बहू को। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं आज पैदल। गब्बू कैसे लग रहा है आपको पैदल जाने में? है, इसको पड़ गई स्कूटी की आदत, बच्चों को ना बड़ी गंदी आदत पड़ जाती है, पैदल चलना नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ इसको सुबह सुबह भाग रहे थे। कौन भागा? अरे ऐसे कैसे भागू, भाग के दिखाओ पहली बार को, भाग के सच्ची भागूंगी मैं। अभी हम दोनों ने रेस मारी ना। दोस्तों गेहूँ कट रहे हैं, मशीन आ गई है, मैं दिखाती हूँ आपको, देखो। देखो ये है गेहूं कटने की मशीन, और कितना आसान हो गया है लोगों के लिए, ये बेचारों की दिहाड़ी मजदूरी भी कम हो गई है। ये देखो ये देखो ये देखो, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही? नहीं नहीं नहीं, गिरना नहीं, गिरना नहीं, वीडियो बना रहे हैं ना, फिर मेरे को बोल रही है मेरी वीडियो भी बना, है ना। कितनी सफेद है ये देखो, कितनी सफेद है, और आंटी कितनी काली लग रही है न, देखो देखो वीडियो बन रही है ना, ये देखो गेहूं कट रहे हैं ना। अब देखो किसान बेचारों की दिहाड़ी मजदूरी भी कम हो गई, ये मशीन ने सबकी चौपट कर दी, है नी, मतलब जो बेचारे दिहाड़ी पे निर्भर रहते हैं ना, अब उनका भी हो गया कि कहाँ से मशीन, एक मिनट का काम है,
अब उनकी पूरी दिन भर की दिहाड़ी है ये। ये हो गया जैसे कंप्यूटर ने सबकी जॉब छीन ली, वैसे मशीन ने भी, है ना। आज मेरा बहुत बिजी दिन था, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ब्लॉग बनाने का तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, सुबह से दुकान खोलो, यहाँ का झाड़ू पोछा, फिर गेहूँ धोए, नाश्ता बनाया। ये देखो ये घूम के 10 बार आ गया है, बाहर से आ रहा है, पानी पी रहा है, फिर बाहर जा रहा है, आ रहा है। दोस्तों बहुत थकान हो गई है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी मुझे बहुत काम करने, नहाना है, ऊपर खाना बनाना है, गब्बू को लेने जाना है, क्या ही बोलूं। फिर शाम को कीर्तन भी है। क्या आंकी बोनर किने बना रखा है, क्या बोलते इसके लिए? ये है मैंगो शेक। ये देखो अंकी का, सिर्फ ये अंकी मैंगो शेक बनाने के काम आता है, बाकी इसको कुछ बोलो ये कुछ नहीं करता, ना बाहर का काम ना घर का काम। बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत ज्यादा। आम और दूध डाल के। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ गब्बू को लेने, नहा धो के खाना बना के, और टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, 2:10 पे उसकी छुट्टी होती है, पर आते आते 3 बज जाते हैं, इतना जाम, इतना ट्रैफिक रहता है नेपाली फार्म में, होनी भी है। अब मैं जा रही हूँ स्कूटी में लेने, क्योंकि दिन में बहुत धूप हो जाती है तो पैदल बस का नहीं होता है बच्चों के। तो दोस्तों मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, अभी गब्बू को लेके आती हूँ, हो सके तो मैं दुकान का सामान भी लाऊँगी। तो दोस्तों मैं कर रही हूँ गब्बू का वेट, और बहुत देर हो चुकी है, मतलब आधे घंटे से भी ज़्यादा। मेरा सामान स्कूटी में, सामान ऐसे ही रखा है मैंने, अभी तो बहुत टाइम लग रहा है, पता नहीं कब तक आते हैं गब्बू। मैं यहाँ पे 2:30 बजे आ गई थी, तो अब देखते हैं गब्बू कब तक आती है। वहाँ से गले से 10 रुपये निकाले मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं कीर्तन के लिए। मैं सोच रही थी आज भी साड़ी ले जाऊँगी, तो मेरे लिए हमेशा वही काम, वही देर, 3:30 बजे तक मैं और गब्बू घर पहुँचे 3:15 बजे स्कूल से, और क्या कहते हैं, फिर खाना खाया, किचन साफ किया, बर्तन धोए, तो 3:30-4:15 हो गए। तो कहाँ से जाना था, 10 रुपये लाने बेचा है, तो कहाँ से साड़ी पहननी थी, जाना नहीं कहाँ से साड़ी पहननी थी मैंने, मेरी साड़ी पहनने का वो संजोग ही नहीं बनता है कभी टाइम से। आ जा, गेहूँ भी निकलने लग गए हैं, ये देखो आ रहे हो आप कीर्तन में। मेरे गेंदे के फूल तो ये क्यों ले जा रही है, रुक जा बेटा, तभी तो गला बैठा हुआ है। हाँ गला, धरती माता नहीं। तुम्हारे गेहूँ नहीं निकले यार, तू मना कर रहा था, लाऊंगा फिर। अरे बारिश ना हो ना, वही डर है, दिक्कत हो है। तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम, क्या कहते हैं, कीर्तन में। अभी दिखाते हैं आपको कीर्तन मंडली, और दीदी भी आ रखी है हमारी पड़ोस में, हम भी चल रहे हैं भाई आज पहली बार मोहल्ले में। मैंने वही तो, अब हमेशा है करो, अब तो 2-3 दिन है, पहली बार देख लिया तो आएंगे फिर दोबारा। कीर्तन बड़ा जबरदस्त करते हैं यार, जय हो कैमरा मैन की। बोलो नागर जाता की जय, शेरा वालिका बोल सांचे दरबार की जय। I'm not afraid.
दोस्तों सवा पाँच हो गए हैं और वैसे मैं दुकान खोलती हूँ मतलब 5 बजने से पहले पहले मैं खोल देती हूँ, कभी 4:45 बजे। और कीर्तन सुन के बहुत ही अच्छा लगता है, आपको भी पता है मन शांत हो जाता है भगवान के भजन को सुन के। तो दीदी लोगों की कीर्तन मंडली तो इतनी अच्छी है, सब एक जैसी हैं नाचने वाली, तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ दुकान में और देखते हैं क्या होता है अभी। तो दोस्तों शाम के 6:30-7 बज गए हैं और इतना खूबसूरत लग रहा है ना शाम को, मैं बताती हूँ आपको शाम का व्यू। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है शाम को, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मतलब अंधेरा होने के रात होने ही वाली है, यहाँ पे लाइट जल गई है और यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। ये मेरी छोटी सी शॉप। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।